वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीसेट फोन सेटिंग्स। किसी भी वजह से अगर आप अपने फ़ोन सेटिंग्स को रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन सेटिंग्स को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे नीचे आइए, नेक्स्ट ऐप्स पर क्लिक करना है। इसके बाद मैनेज ऐप्स में जाएंगे। मैनेज ऐप सेटिंग्स को ओपन करते ही यहाँ पे आपके सामने सभी एप्लीकेशन का लिस्ट चले आएगा। अब ऊपर में जो सर्च बॉक्स दिख रहा है इस पर टैप करके फाइंड करना है सेटिंग्स। अब हम फोन सेटिंग्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। दोस्तों इसके बाद फोन सेटिंग्स के अंदर जितने सारे डेटा है उसे डिलीट करना होगा, तो यहाँ पे क्लियर डेटा पर टैप करके ऑल डेटा क्लियर कर दीजिए। दोस्तों अगर इस प्रोसीजर को प्रयोग करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सेकेंड स्टेप फॉलो कीजिए। सेकेंड स्टेप में फ़ोन सेटिंग्स को ओपन करके सर्च करना होगा फैक्ट्री, फिर आपके सामने फैक्ट्री सेट करने का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप करेंगे। फैक्ट्री सेट के अंदर आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपके फ़ोन में जितने सारे अकाउंट, कॉन्टैक्ट, फोटोज़, वीडियोस, ऐप एटसेट्रा सब कुछ डिलीट हो जाएगा और आपका फ़ोन डिफॉल्ट सेटिंग्स में सेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। फ़ोन को फैक्ट्री सेट करने के लिए यहाँ पर इरेज और डेटा पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही पॉपअप मैसेज आएगा बैकअप आइटम फास्ट। अगर आपने इस फ़ोन पे पहले से कुछ बैकअप लिया है तो उस डेटा को दूसरे किसी भी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर लीजिए, नहीं तो सारे डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट्री रिसेट पर क्लिक करना है। अगर आप इस फ़ोन के साथ MI अकाउंट लॉगिन करके रखे हैं तो उसका भी पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा कि आपके फ़ोन से सारे डेटा डिलीट होने जा रहा है। 10 सेकेंड का टाइमर ख़त्म होते ही नेक्स्ट दबाना है। फिर आपसे दोबारा पूछा जाएगा क्या आपने सभी डेटा का बैकअप लिया है। यदि आपका उत्तर हाँ है तो ओके पर क्लिक करें, फिर आपका डिवाइस रीसेट होना शुरू हो जाएगा। जब तक आपका डिवाइस पूरी तरीके से रीसेट ना हो जाए तब तक आप इस फ़ोन को चालू या बंद करने का कोशिश ना करें, और हो सके तो चार्जर के साथ मोबाइल कनेक्ट करके रखिए। तो दोस्तों इन दोनों तरीके से फ़ोन सेटिंग रीसेट किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।